बच्चों के आज मैं एक एक सूट लेके आई हूँ, निकर शर्ट ही लेके आई हूँ क्योंकि गर्मी का। इस अलमारी को आज मैंने सारा सेट करना है, ऐसा ऐसा एक एक अलमारी सेट करूँगी तब तक ईद तक जो है ना मेरी सारी। चाल सबको, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज है 18वां रोज़ा, मेरी तरफ से आप सबको 18वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आज संडे का दिन है, बच्चे आज छुट्टी थी तो बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता। सहरी का कोई ब्लॉग हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बस सहरी में जल्दी जल्दी सहरी की कोई ब्लॉग हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो बच्चों के लिए आप बना रही हूँ मैं नाश्ता। गला मेरा ख़राब है तो मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा। मैं कहती हूँ मौसम ऐसा है जिससे पूछना, सब यही कहते हैं सब बीमार हैं, तो सब आप सब भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें क्योंकि मौसम ऐसा है, कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है, हर कोई बीमार होता है। पंचे पहले बीमार थे, हस्बैंड बीमार थे, मेरा अपना गला ख़राब हो गया, रात मुझे भी फीवर था, मैं दवाई खा के सोई थी, लेकिन शुक्र है बुखार तो अभी उतर गया तो गला लेकिन है। तो बस अभी करते हैं, बच्चों को दे देती हूँ बना के नाश्ता, तो जो भी आज का ब्लॉग होगा आपके साथ शेयर करूँगी। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हेल्प मिलती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। तो बस आज संडे और आज मैंने जाना है मार्केट, तो बच्चों के कुछ कपड़े लेके आने, अभी तक हमने ईद की शॉपिंग नहीं की, तो हस्बैंड से वो भी डिमांड करते हैं कि वो ईद के हमें कम से कम पैसे तो दें, हम ईद की शॉपिंग करें क्योंकि ईद में दिन आएंगे थोड़े। तो बस अभी मैं नाश्ता यहाँ देखिए जी, हमारे पराठे हो गए तैयार, देखिए जी हमारे पराठे हो गए तैयार, और बाकी हम बनाते हैं नाश्ता, तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ, जो भी आज का व्लॉग होगा फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ जी ईद की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, बच्चों के आज मैं एक एक सूट लेके आई हूँ, निकर शर्ट ही लेके आई हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है। यहाँ पे मेरा ड्रेस है, यहाँ पे मेरा एक और ड्रेस है, दिखाऊंगी नहीं अभी खोल के, इंशाल्लाह ईद की शॉपिंग की अलग वीडियो बनाऊँगी, उसमें तमाम शॉपिंग दिखाऊँगी। तो बस मैं बहुत गर्मी थी, बहुत रश था, मैं अभी ईद की शॉपिंग करके आई हूँ, तो बच्चों के आपके ऊपर ऊपर से दिखा देती हूँ। तो ये उमेश का है, और उमेश के आज लेके आई हूँ अमदान का, और राहत का रहता है वी एक एक्सप्रेस, तो मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी उसमें आप लोगों को दिखाऊँगी ईद की शॉपिंग। घर में सारा साफ करके हुई थी, घर के हालात आप देख लें, ये देखिए जी बेड का आप हालात देखें, बस अभी दोबारा सारी सफाई करूँगी, और किचन मैंने भी आके दोबारा सेट कर लिया। तो बस अभी आप लोगों को ये भी दिखाऊं कि अभी ईद की तैयारियां शुरू कर देती हैं, सबसे पहले तो यह देखें ना, ये चेक करें आप सारी चीज़ें ऊपर नीचे हर चीज़ बीच में, तो इनको सेट करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता ईद की तैयारी शुरू करूँगी, ईद की सफाइयां शुरू करूँगी। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे अभी सिचुएशन देखे, इसको सारा सेट करूँगी, इस अलमारी को आज मैंने सारा सेट करना है, ऐसा ऐसा एक एक अलमारी सेट करूँगी तब तक ईद तक जो है ना मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले तो अजीब सी आवाज़ के लिए माजरत, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो बस यहाँ आके मैंने सबसे पहले घर की सफाई की, हालांकि मैं करके गई थी तो मेरे आने तक घर में तूफ़ान गुजर के गया था, तो मैंने फिर आके सारी सफाई की। यहाँ मैं इसको कह रही थी कि मेरी हेल्प करा दे, तो बस जब बच्चों को कार्टून से उठा के कह दो ना कि काम करने का, तो बच्चों ऐसे बूम आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी मेरी काफ़ी हेल्प करा देता है। बस यहाँ मैंने सारी पहले सफाई की, सारा घर साफ़ किया, उसके बाद मैंने अलमारी सेट की, अलमारी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कुछ भी सेट नहीं है, सिर्फ चीज़ें निकाली हैं, उनको सीधे तरीके से सिर्फ रखा है, इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ थी बाहर निकालने वाली कुछ भी नहीं निकाला, क्योंकि आहत पीछे बहुत तंग कर रहा था, आहत बहुत रो रहा था, तो मैंने फटाफट ये काम ख़त्म किया, मैंने कहा चलो मैं ये कर लूँ, फिर दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह साफ़ की, तो सारे बस उसके बाद ये आहत का मेरा प्यार है, आप चेक करें। बच्चे तो सारे बराबर होते हैं, लेकिन ये छोटा है ना, ये तंग भी बहुत ज़्यादा करता है, तो बस यहाँ पे कभी इसको प्यार आएगा, कभी वो तंग करेगा, तो आप लोग लाजमी इन बच्चों को देख के माशाल्लाह बोल दिया करें। तो बस यहाँ पे जी मैं पता क्या कर रही थी, मैंने ना शॉपर एक बनाया था जिसमें सर्दियों की स्वेटर सॉक्स वगैरह, तो शॉपर मैंने सामने रखा था, तो बच्चे सारा दिन एक सॉक्स उसकी पहनते थे, एक सॉक्स उसकी, तो मैं यहाँ जोड़े बना बना के सॉक्स के रख रही थी, तो इतनी सारी चीज़ें थी, मैं बड़ा शॉपर लेके आई वो भी कम पड़ गया, तो बस यहाँ पर जी मैंने फ़िलहाल तो उसको वक्ती तौर पर शॉपर में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 4:15 हो गए, तो अभी जो आज की अफ्तार है वो बिल्कुल सिंपल सी होगी, आज बिल्कुल डिफरेंट अफ्तार हम करने वाले हैं,
अवतार में क्या होगा जी, आज हम नान और पकोड़े खाएंगे। मुझे बचपन से नान और पकोड़े खाना बहुत पसंद है। हम अपने अबू के साथ ट्रैवल किया करते थे तो हम रास्ते में नान और पकोड़े खाया करते थे। आज मैं सोचा बिल्कुल सिंपल सी लेकिन डिफरेंट सी अवतार करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि नान और पकौड़े खाना किसको पसंद है। तो आज हम पालक वाले पकौड़े बनाएंगे, साथ हम खाएंगे नान और कोई अफ्तारी में चीज़ नहीं बनानी, बस आज यही खाएंगे। बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। और अलमारियाँ मैंने सेट कर ली हैं। अलमारियाँ सेट करनी इतनी मुश्किल हो गई थी, आहत ना रो रहा था, आहत ने पीछे इतना तंग किया। बस थोड़ी बहुत अलमारी जो मैंने अपने तरीके सेट की है अभी, तो बस चीज़ें सिर्फ सीधी की हैं। बस ये सेट ये नहीं की कि बिल्कुल चीज़ें जो ख़राब थी या जो निकालने वाली थी वो नहीं निकाली, वो भी नहीं निकाली, सिर्फ चीज़ों को सेट करके रखा है। आहत ने वो रो रो के बुरा हाल किया हुआ था। तो बस अभी आप लोग दिखा देती हूँ कितनी मैंने अलमारी सेट की है। तो ईद की तैयारी शुरू हो गई है, ईद के कपड़े भी, ईद की शॉपिंग भी शुरू हो गई है, ईद की तैयारी भी शुरू हो गई है। कपड़े थोड़े से लिए हैं, जब इंशाल्लाह सारी ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और घर की सफाइयाँ भी शुरू हो गई हैं क्योंकि 12-13 दिन रह गए हैं, तो मैं सोचा ईद की तैयारी शुरू कर ले। तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों की ईद की तैयारी कैसी जा रही है और आप लोगों ने क्या ईद की शॉपिंग कर ली है। बस अभी टाइम हो गया, तकरीबन 4:15 हुए हैं, अलमारियाँ मैंने सेट कर ली, उसके बाद आप दुआओगे अफ्तार। यहाँ देखिए जी, चीज़ें मैंने सिर्फ सेट करके रखी हैं, बस मैंने भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं निकाली है। असल में बच्चों के साथ सामान ही इतना होता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए चीज़ें भी सेट करके रखी हैं। अभी ऊपर वाला जो हिस्सा है वो रहता है, तो बस इनको भी सेट करके रखे हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल भी नहीं आती, वो निकालनी है। तो फिर किसी और दिन टाइम दूँगी, आज तो टाइम काम था क्योंकि हमें इस लड़के ने बहुत तंग किया होता है ना। रोइए जा रहे थे ना आप, मामू को काम नहीं करने देते ना। तो ये देखिए हमारी दीवारों का हाल, ये सारी इनकी नक्शों निगारी हैं। यहाँ जी मैंने पकौड़ों का सामान तैयार कर लिया, ये पकौड़ों का सामान मैंने तैयार कर लिया और पालक वाले पकौड़े आज हम बना रहे हैं। रेसिपी पूरी शेयर नहीं की क्योंकि बहुत बार पहले कर चुकी हूँ, टाइम कम है, मैंने सोचा फटाफट बना देते, घी मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। यहाँ पे दूसरा बेकिंग करेंगे, बच्चे बेसन वाली तो वो मैं कहती हूँ काश जितनी तेज़ी वीडियो चल रही है ना, काम भी इतनी स्पीड में हो जाए तो क्या ही बात हो। तो बस यहाँ मैं बना रही थी पकौड़े और बस मैंने यहाँ पकौड़े थोड़े निकाल लिए थे, फिर दोबारा पकौड़े डाले। बस इसी तरह फटाफट अफ्तारी में टाइम काम था, मैंने सारी अफ्तारी तैयार की। उसके बाद बच्चे बेसन वाली चिप्स शौक से खाते हैं, फिर वो निकाली मैंने। यहाँ बन रही है हमारी आलू वाली चिप्स, यहाँ हमारे हो चुके हैं पकोड़े रेडी, बहुत मज़े के दिख रहे हैं। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं पालक वाले पकोड़े। ये पकोड़े बस इतने से ही बनाने के, रख दूँगी फ्रिज में, कल काम आ जाएंगे। और तो यहाँ बाकी आलू वाली चिप्स भी बनेगी। तो बस यहाँ हो रही है जी आज की अफ्तारी। आज की अफ्तारी बहुत स्पेशल है, इस अफ्तारी को खा के मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है, तो इसलिए अफ्तारी ज़्यादा स्पेशल है आज। ये जी आज का हमारा दस्तरखान है, ये है पालक के पकौड़े, आलू वाली चिप्स, नान और केचप, यहाँ पे उमेश हमदान और आहार। आप सब दुआ मांग लो, अफ्तारी के टाइम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से। ये जी आज की हमारी सिंपल सी अफ्तार है लेकिन बहुत स्पेशल है क्योंकि बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं नान और पकौड़े, है ना उमेश, आपका फेवरेट है ना। हाँ वो भी कल बनाएंगे, और हमदान का भी फेवरेट है, आहार का भी फेवरेट है। तो ये जी हमारी आज की सिंपल सी लेकिन बहुत स्पेशल अफ्तार है क्योंकि इसको खा के मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। जब भी हम किसी सफ़र करते थे ट्रेन में या बस में तो हम रास्ते से नान पकोड़े खाया करते थे। तो देखिए आप पकौड़ों को देखें जी, पालक वाले पकोड़े कितने मज़े के लग रहे हैं, और ये चिप्स है और ये नान है। अच्छे बेटे ये नान है, नान मैं अभी लेके आई हूँ। तो चलो अब अफ्तारी का टाइम होने वाला है, सब दुआ मांग के अब रोज़ा खोलेंगे। बस यहाँ मैं डेली बच्चों को दुआ पढ़वाती हूँ। यहाँ पे जी हम खा रहे थे अफ्तारी और बच्चों ने बहुत शौक से अफ्तारी की, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जितना दिया उसका शुक्र अदा करना चाहिए, तो चाहे ज़्यादा हो या थोड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था, ईद की भी शॉपिंग स्टार्ट कर दी है और ईद की तैयारियाँ भी स्टार्ट कर दी हैं, घर की सफाई वगैरह शुरू कर दी है। आज एक अलमारी सेट की है, कल दूसरी भी फ्रिज वगैरह साफ़ करनी है, डस्टिंग वगैरह करनी है। ईद तक इंशाल्लाह तमाम काम ख़त्म कर लूँगी क्योंकि ईद पे एक बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को सरप्राइज़ देने वाली हूँ। हम इस बार ईद पे कहाँ जा रहे हैं, हमारे घर पे ईद करने आ रहा है, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी आपको अगले ब्लॉग्स में बताऊँगी।
तो बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, तो इंशाल्लाह एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें ईद की सारी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। तो आप लोग इतना प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग का रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अगर तो मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके लाजमी लाइक कर दें। अपना रखिएगा ख्याल, लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।